सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क प्रामल फेयर के, और मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और आर्क प्रामल फेयर की वीडियो। और आज के इस एपिसोड में हम टेम करने के लिए जाने वाले सिलेस्टियल फिरॉक्स को। और गाइस सिलेस्टियल फिरॉक्स को टेम करने के लिए जाए उससे पहले हमारे घर के ऊपर तो देखो कौन आया भाई, मैंटिकोर भैया जी। हाँ कल आ मैंटिकोर भाई, कल आना कल भाई। स्पाइनो की वार है उतने दूर से, स्पाइनो को पैसिव नहीं करके रखा था क्या मैंने भाई, उतने दूर से फुल स्पीड में आया भाई आप इसको खाने के लिए। चलो इसको वापस से लगा देता हूँ, रुको अपने भाई जगह पे। बाकी आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग गाइस टीम करने वाले सिलेस्टियल फिरॉक्स को, और उस सिलेस्टियल फिरॉक्स को हम बिड़ाने वाले डिमोनिक रीपर इंप्रेस बॉस से। ये देखो इस बॉस को मैं पहले ही बना चुका हूँ, बस अभी फिरॉक्स को टेम करना है और इन दोनों की जो ना गाइस यहाँ पे फाइट करानी है मेरे को। बाकी गाइस अभी यहाँ पे आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से। ये बनी का कलर अच्छा नहीं, वरना इसको टेम कर लेता पिछले एपिसोड में। मेरा क्यूट सा बनी जो है ना गाइस वो मारा गया गाइस, मेरे अटैक के रीजन से मैं जमीन पे गिरा और गाइस उसके बाद जो है ना गाइस बैंड बजा दी गई भाई मेरे क्यूट से बनी की साइड लाइफ भाई। रुको मेरे पास फालतू की कुछ स्किन आ चुकी है, इन स्किन को फेंक लो भाई, ये स्किन चाहिए नहीं मेरे को। ठीक है चलो आ जाओ अभी गाइस जल्दी जल्दी गाइस सिलेस्टियल फिरॉक्स को टेम करने के लिए चले हम लोग। ए रुको आ गाइस, मैं अभी सिलेस्टियल फिरॉक्स को ओरिजिन बुलेट से ही टेम करता हूँ। बाकी जो दूसरी बुलेट है ना अपने उनको मैं बनाने के लिए गाइस यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है इन बुलेट्स को हम बनाने के लिए डाल देते हैं। ये लो भाई प्राइमल बुलेट ही नहीं है मेरे पास, 1000 प्राइमल बुलेट। सीमेंटिंग बेस कम पड़ गया भाई, भाई सीमेंटिंग बेस कम पड़ गया, ऊपर सीमेंटिंग बेस तो है ना भाई, सीमेंटिंग पेस्ट कम पड़ गया यार। 1000 बुलेट मैंने बनाने के लिए खींची ना सामान सारी, तो भाई यहाँ पे सीमेंटिंग पेस्ट जो है गाइस वो टाटा भाई गुड बाय हो गया है कि नहीं। अरे ही नहीं ए भाई, एक सीमेंटिंग पेस्ट दो भाई, रुको भाई पूरा सीमेंटिंग पेस्ट करता मैं। ए भाई एटलीस्ट एक, अच्छा मेरे पास होगा, रुको मेरे पास होगा सीमेंटिंग पेस्ट। अबे नहीं है यार, रुको गाइस सारा सीमेंटिंग पेस्ट खत्म, टाटा भाई गुड बाय हो चुका है, एटलीस्ट एक सीमेंटिंग पेस्ट देते भाई। भाई सीमेंटिंग पेस्ट भाई दे दे, भाई सीमेंटिंग पेस्ट दे दे एक भाई, ताकि मैं ऊपर एक का डबल करने के लिए एटलीस्ट डाल सकूं भाई। सीमेंटिंग पेस्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है यार हमको भाई बुलेट्स वगैरह बनाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ सीमेंटिंग पेस्ट जो है ना गाइस उसकी यहाँ पे हम लोग, रुको गाइस जो सीमेंटिंग पेस्ट है ना गाइस ये दो क्रॉपलोड के अंदर डालने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। एक और क्रॉपलोड कौन सा, ये वाला खाली है ना, चलो ठीक है। अभी इसके अंदर डबल सीमेंटिंग पेस्ट जो है गाइस वो यहाँ पे हमको मिलेगा। और काफ़ी सारे लोग मुझे भाई अभी कमेंट करते डिस्कॉर्ड पे मैसेज करते कि एक का डबल करने वाले मॉड का नाम क्या है। सो गाइस इस मॉड का नाम है सीड फार्म, SEEGFARM, सीड फार्म स्टीम पे डालो, वहाँ से 5 स्टार वाला या 4 स्टार वाला एक ही क्या बोलते उसको मॉड है सीड फार्म नाम का, वो डाउनलोड कर लो गाइस। और ये आपको जो क्रॉपलॉट से ये आपको सीड टेबल है इसका, ये देखो भाई यहाँ पे टेबल भाई नहीं अस्मिदी या टेबल कुछ तो, ये सीड फार्म वाला एक ठीक है ये वाला टेबल सीड इसके अंदर जो है ना गाइस आपको ये मिलेगा। ठीक है और इसके लिए बहुत तुड़ुक जाम करना पड़ता है, अगर आपको ऐसे लेना है तो ये जादू की मदद से ही लेना पड़ेगा। ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, वरना भाई मेरे को बहुत ज़्यादा हर रोज गाइस 3-4 कमेंट 3-4 मैसेजेस भाई आते ही आते हैं। ठीक है वो भी पर्सनल पे भाई। चलो आ जाओ अभी रेडल को यहाँ पे डाल दिया है, वो बेचारा गाइस मैंटिकोर को खाने के लिए गया था। बाकी तैयारी कर ली क्या हम लोग ने सारी, बुलेट्स वगैरह डाल दिए ना। और किसको लेके चलो, इलेक्ट्रो भाई किसने उंगली करा, इलेक्ट्रो भाई कौन उंगली करा तुमको, टॉक्सिक कछुआ, चलो छोड़ दो मार दिया ना उसको, अभी छोड़ दो। अबे इधर आ भाई इलेक्ट्रो, भाई क्या इलेक्ट्रो यार तू भी यार, मुझे शील्ड जो ना कि जल्दी से जल्दी अनलॉक करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा ही जो ना कि दिक्कत हो रही है हम लोग को। ठीक है टेमिंग के लिए जो है कि हम लोग लेके चलते हैं अपने फेबल्ड ग्रिफिन को, अभी इसको टेम करा है यार, सो इसी को चलाएंगे कुछ एपिसोड तक, उसके बाद भाई नई नई ग्रिफिन, ओ डार्क ग्रिफिन भी मुझे गाइस टेम करना है, उसको भी टेम करके चलाएंगा भाई तुम्हारा भाई। ठीक है लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में अभी नहीं गाइस। ठीक है अभी जल्दी जल्दी चलते हैं और सिलेस्टियल फिरॉक्स को टेम करते हैं। आपको क्या लग रहा है गाइस, क्या हमारा सिलेस्टियल फिरॉक्स जो है वो इतना पावरफुल है कि डिमोनिक रीपर को मार पाए, क्या लगता है गाइस नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका इसका रिजल्ट जो है वो थोड़े टाइम में पता चलने वाला है। वैसे भी इतने टाइम तक शांत, मेरे आते ही बम के गोले डालना शुरू भाई,
मेरे आते ही बम के गोले भाई डालना शुरू कर दिया भाई इसने। देख रहे हो गाइस सेलेस्टियल फिरॉक्स भाई उड़ उड़ के कहां पहुंच गया भाई तू, बम के गोले डाल रहा है, संभल के भाई, पागल हो गया भाई ये, पागल हो गया भाई, बम चिकी चिकी बम बम फेंके जा रहा है भाई सबके ऊपर। अरे कहां जाएगा भाई, हेलो जंप मार मार के उधर से इधर तक आया वो, और पता नहीं कहां पे जाएगा भाई उड़ उड़ के। ठीक है बस हो गया भाई, हो गया हो गया, बस हो जा भाई, बेहोश हो जा, शाबाश मेरे भाई, शाबाश मेरे भाई, शाबाश शाबाश सबको यहाँ पे भाई, भगवान के पास पहुँचा दिया मैंने। मांटिस है, मांटिस भाई उंगली करनी है, मांटिस भाई ना, नो नहीं ना, कोई उंगली नहीं करने का मांटिस भाई, ठीक है। अटैक नहीं लगा ना भाई, नहीं लगा भाई। ये ग्रिफिन भाई चोमू कहीं का हमला कर रहा था भाई आसमान से, अच्छा वो इसको लगाने वरना इसकी टेमिंग इफेक्टिव नहीं चली जाती। चलो आ जाओ भाई जल्दी से इसके अंदर किबल डाल देता हूँ, दो किबल में सेलेस्टियल फिरॉक्स टेम भाई, लेट्स गो भाई, दो किबल में अपना सेलेस्टियल फिरॉक्स जो है गाइस वो टेम हो चुका है मेरे पास गाइस, सेलेस्टियल फिरॉक्स आ चुका है भाई, मजाक हो रहा है क्या भाई, सबसे ज्यादा पावरफुल डायनो इसको भाई माना जाता है। हाँ लेकिन इसकी स्पीड होना जरूरी है भाई, ठीक है, इसका स्पीड में गेम प्ले होता है भाई सेलेस्टियल फिरॉक्स का। बाकी मैं आपको भाई रुक जाओ भाई सेलेस्टियल फिरॉक्स का लुक वगैरह दिखा दूँ कि हमारा सेलेस्टियल फिरॉक्स भाई कैसे दिखता है ये देखना भाई। अगर आप इसको बफोन फिरॉक्स से भाई कंपेयर करोगे ना तो आपको भाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे भाई बफोन फिरॉक्स भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। रॉकी भाई, रॉकी भाई कहाँ पे, और ये रे रॉकी भाई नीचे ही है भाई अपने हॉट बार में, रुको रॉकी भाई को बाहर निकालता हूँ। ये देखो ये अपना बफोन फिरॉक्स है, ये सेलेस्टियल फिरॉक्स है, ये पूरा भाई यहाँ पे गन्स भाई बाकी मशीन गन वगैरह, ठीक है, ये भाई यहाँ पे कट्टे वगैरह ग्रेनेड्स वगैरह लेके जा रहा है, ये खा लिया आते भाई, ठीक है। ये अपना बफोन फिरॉक्स है, ये अपना सेलेस्टियल फिरॉक्स है, बफोन फिरॉक्स से ज़्यादा पावरफुल होता है सेलेस्टियल फिरॉक्स, कैसे अभी पता चल जाएगा कि आपको। बाकी अभी सेलेस्टियल फिरॉक्स का जो ना गाइस मैं आपको भाई, आपने तो इसका लुक वगैरह देख लिया, अभी इसके पास कौन कौन से अटैक्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस, कौन कौन से अटैक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेलेस्टियल फिरॉक्स के पास सबसे पहले गाइस अपने भाई पंच से मारने वाला अटैक है भाई, नुकीले नुकीले नाखून से मारने वाला अटैक है, लेफ्ट क्लिक पे दोनों हाथ जो गाइस जमीन पे भाई पटकने वाला अटैक है, सी पे भाई मुंह से भाई सेलेस्टियल ब्लू ब्लू कलर की फायर छोड़ने वाला खतरनाक सा अटैक है ना मेरे भाई। ओके 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 एक्सपे भाई बम, ये इसका मेन अटैक, ये गाइस बम चीकी बम बम वाला अटैक गाइस, और यही अटैक जो है गाइस इसका मेन अटैक है, और इसी अटैक से जो है ना गाइस सबकी बाण बचाएगा। और एक बस बात की अटैक की जो है ना गाइस थोड़ी सी पूरी है वो है गाइस ये अटैक क्लोज रेंज में काम नहीं आता, अगर हमको इस अटैक से किसी को मारना है तो हम लोग को थोड़ा सा दूर, लॉन्ग रेंज में भी नहीं, थोड़ा सा बस दूर जाना है, अगर एकदम चिपक के हम लोग उसको बैठेंगे तो हम लोग उसको मार नहीं पाएंगे। ये जो है ना गाइस इस वाले अटैक का थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है, बाकी तो फिरॉक जो है गाइस वो एक नंबर था, एक नंबर है और एक नंबर रहेगा। चलो आ जाओ भाई की थोड़ी सी लेवलअप शेवलअप करी जाए, हेल्थ कितनी करूँ मैं, बॉस से फाइट करनी है भाई तो 30 मिलियन तो कम से कम हेल्थ चाहिए, 35 मिलियन कर दो, चलो 35 मिलियन भाई की हेल्थ भाई, लियो हीलिंग पोशन, ठीक है। ये देखो भाई मैंने सेलेस्टियल फिरॉक्स की हेल्थ जो है गाइस वो कर दी है 35.1 मिलियन, ठीक है भाई। ट्रैकर डालो इसके अंदर भाई, सीधा ट्रैकर भाई, सीधा ट्रैकर लियो बेटा भाई, 47 लेवल पॉइंट सारे के सारे मिली डैमेज में जाएंगे, ए टू जेड पॉइंट मिली डैमेज में जाएंगे गाइस अपने सेलेस्टियल फिरॉक्स के, ताकि इसका डैमेज बढ़ सके, क्योंकि मुझे भाई डिमोनिक क्रीपर से भाई इसको भिड़ाना है, ठीक है, डिमोनिक रिवर से भिड़ना है तो भाई हमारा जो डैमेज है वो हाई होना जरूरी है, ठीक है। बाकी तो भाई इसके अटैक पावर वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा मैक्स लेवल होने के बाद, अभी फिलहाल के लिए इसकी मैक्स लेवल कर रहे हैं। आ जाओ चलो भाई, डैमेज कितना जा रहा है दिखाई नहीं दे रहा, डैमेज कितना जा रहा है, 4 लाख भाई काफी कम डैमेज, अच्छा 2 मिलियन वहां पे 2 मिलियन डैमेज पड़ा है, कहीं कहीं पे ज्यादा कहीं कहीं पे कम भाई, ठीक है चलो कोई ना कोई ना। कितने लेवल पॉइंट, 5, ठीक है, और थोड़े लेवल पॉइंट चाहिए हमको, डालो भाई पूरा एरिया खाली कर दो, अब हम फेंक देंगे लियो भाई, अटैक तो देखो भाई पूरा एरिया जो है गाइस वो ब्लू रोशनी से भाई यहाँ पे जगमगा रहा है भाई, जब इसका ये बम वाला अटैक फेंक रहा है ये लो भाई, अटैक जो है सेलेस्टियल फिरॉक्स का वो होता तो खतरनाक है भाई, होता तो खतरनाक है। एक लेवल अप किया है यार भाई, 10-12 लेवल अप दो यार, एक लेवल अप क्या होता है, अटैक्स देखो भाई, अटैक्स देखो भाई, अटैक देख रहे हो सेलेस्टियल फिरॉक्स के, ले बेटा आई शाबाश, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, वो भी बोलते भाई जल्दी, और एक और लेवल अप आ गई,
और कितने लेवल अपना बाकी है भाई? रुको भाई, जो थोड़े बड़े बड़े ओरिजिन से पंगे लू, ओरिजिन से पंगे पड़ जाएंगे महंगे भाई, ओरिजिन से पंगे ओरिजिन को पड़ जाएंगे महंगे तुम्हारे भाई को नहीं। रुको भाई, पावर अप कर ले, कंट्रोल प्लस सी भाई, पावर अप। पावर अप जो है ना गाइस, करने के बाद इसका डैमेज डबल ट्रिपल हो जाता है। पावर अप करने के बाद इसके आजू बाजू आप देख सकते हो ब्लू ब्लू कलर का एक एनर्जी का घेरा जो है गाइस वो बन जाता है, ठीक है, और इससे इसका डैमेज इंक्रीज हो जाता है। आपको अभी दिखाता हूँ मैं इसकी पावर भाई, ओरिजिन भाई, स्पाइनो बुलाइयो, स्पाइनो बड़ा होता है, एक बम के गोले में उड़ सकता है भाई, खलास। अरे आधी अंधड़ा उड़, एक फटके में भाई, दम तो है, दम तो है, दम तो है भाई, दम तो है। अरे भाई रुक जा यार, कैसा 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 मार रहा भाई, ऐसे कैसे मार रहा भाई, हेलो हेलो क्या चलना अवांदे बड़े भाई, दो बम के गोले में गाइस मैंने इसको मारा है, दो बॉम्ब वाले अटैक्स और गाइस ओरिजिन स्पाइनो का गेम ओवर। अब इससे अंदाजा लगे गया होगा क्या हमारा सेलेस्टियल फिरॉक्स कितना ज्यादा खतरनाक है। लो गाइस मैक्स लेवल भी हो गया हमारे सेलेस्टियल फिरॉक्स की, मजाक हो रहा है क्या, दो बॉम्ब बस। हाँ वो बीच में एक डाला था ना बॉम्ब, वो थोड़ा सा मिस हो गया, उसको लगा ही नहीं इसलिए उसका डैमेज नहीं पड़ा उसको, यही सीन है इसके अटैक का। क्लोज रेंज में जब भी मारते ना तो ऐसे ही कुछ होता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा भाई दूर जाके मार रहे हैं। अभी जैसे बोल रहे मिस हुआ ना, अगर ऐसा कोई अटैक उस रिपर से फाइट करते हो मिस हो गया ना, तो भाई सीधा भगवान के पास, मैं और मेरा भाई ये फिरॉक्स भी, ठीक है। सो थोड़ा संभल के, बाकी तो भाई बुलेट का डैमेज, और इसका डैमेज ना जितनी मूवमेंट स्पीड होगी उतना इंक्रीज होते जाएगा। अभी 6 मिलियन दिया था ना इसने डैमेज, अभी देखो 6 मिलियन ना, अभी देखो भाई थोड़ी स्पीड मिले, थोड़ी स्पीड मिले और वो बरकरार रहे, 13 मिलियन क्या भाई लग है कि नहीं गाइस, ठीक है ये बड़ा 2 मिलियन, ठीक है ये उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसके सारे अटैक दिखा देता हूँ, हिल तो आपने देख ली, 35 मिलियन हिलते हैं भाई इसकी। बाकी इसका सी वाला अटैक जो है फायर वाला सेलेस्टियल, वो जा रहा है भाई 4 लाख 5 लाख 6 लाख का, ठीक है। उसके बाद इसका जो दोनों हाथ जमीन पे पटकने वाला जो अटैक था वो जा रहा है 2 लाख का। और जो गाइस इसका भाई ये पंच वाला अटैक है, ये अटैक गाइस मैं आपको बोल नहीं सकता कितना, क्योंकि अगर हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं समझ लो नॉर्मल स्पीड से मारेंगे किसी को तो 2 मिलियन नॉर्मल स्पीड एक जगह पे खड़े होकर, अगर हम लोग थोड़ी सी हमारी स्पीड बढ़ा के मारेंगे किसी को 8 मिलियन 10 मिलियन 30 मिलियन 30 मिलियन बोल नहीं सकते कि इसका डैमेज कितना जाएगा, ठीक है। इसकी डैमेज की कोई लिमिट नहीं है भाई, 50 मिलियन भी जा सकता है, और उसके लिए इसकी स्पीड जो है ना ज़्यादा होना जरूरी है, ठीक है। अभी इसकी स्पीड भाई हम लोग यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, उबड़ खाबड़ एरिया है, हमको डेजर्ट वगैरह में कभी जाना पड़ेगा और वहाँ पे हम लोग इसकी स्पीड टेस्ट करके डैमेज टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी भाई खुकार लग रहा है भाई, ठीक है, मुझे लग रहा है बॉस फाइट करने के लिए रेडी चाहिए अपना भाई फिरॉक्स। गाइस रेक्स को देखा जाए, मैं स्पाइनो को 2 बम में पहला था, रेक्स को 4 बम में पहलना चाहिए इसे, रेक्स को बुलाता हूँ ओरिजिन वाले भाई, ठीक है। आन दो गाइस, आन दो ओरिजिन रेक्स को, आने दो भाई, रुको भाई ओरिजिन रेक्स को बुलाता हूँ, 4 फुट को मैं पहलना चाहिए क्योंकि ओरिजिन रेक्स के पास आर्मर तगड़ा होता है इसलिए। भाई डाल बम, हाँ वाह आंदे भाई, हाँ वाह भाई, ठीक है भाई, नहीं इधर नहीं, इधर इधर इधर, चीटिंग काय कर रहा है भाई तू, चीटिंग क्यों कर रहा है भाई, इधर आ इधर आ, हाँ ना क्यों भाग क्यों रहा है, मेरे सारे बम वाले अटैक तेरे को लगने चाहिए ना मेरे भाई, लगने चाहिए सारे अटैक, नहीं लगते बॉम्ब डाल इसके मुंह के अंदर, सीधा मुंह के अंदर डाल, लगता नहीं यार ये मुंह के अंदर ना अटैक, में यही तो बोल रहा था, क्लोज रेंज में इसके अटैक से नहीं काम आते गाइस। ये लो भाई ये लगा अटैक, लेकिन हेल्थ देख रहा, 3 अटैक लगे गाइस, तीन अटैक लगे, एक और अटैक और इसका गेम ओवर। ये लगाने अटैक, ये लगाने क्योंकि इसकी दूसरी बेल्ट डाउन नहीं हुई, मार भाई जल्दी, इसको लगना चाहिए अटैक, ये भी अटैक लगाने, इसको लगे भाई अटैक, भाई इसको लगे अटैक यार, इसको लगा 4 अटैक में भाई रेक्स की बाढ़ बचा दी, फिरॉक्स ओपी बोलते हैं गाइस, फिरॉक्स के लिए लाइक कर दो गाइस, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो, करा नहीं हुआ तो भाई क्या मार रहा भाई फिरॉक्स, क्या मार रहा है भाई, पावर अप करके मार रहे हैं। डिमोनिक रिपर से जब भी फाइट करेंगे गाइस पावर अप बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर आप पावर अप करते हो डिमोनिक रिपर से फाइट करते वक्त तो प्रॉब्लम गाइस आपको ये फेस करनी पड़ेगी कि हमारे डिमोनिक रिपर जैसे ही स्पॉन होगी वो सबसे पहले हमारा जो गाइस पावर अप मूव होगा वो रिमूव कर देगी, एंड उस रीजन से प्रॉब्लम हमको ये होगी कि हमारे 10-15 सेकेंड जो गाइस वेस्ट हो जाएंगे, और 10-15 सेकेंड में तो डिमोनिक रिपर भाई पूरा गेम खत्म कर देती है, इतनी खतरनाक बॉस है। सो थोड़ा संभल के रहना है, उसके अटैक से बचे रहना है, बाकी अभी क्या होगा बॉस फाइट में वो थोड़े टाइम में आपको पता चली जाएगा, ठीक है। ओरिजिन जो है उनको ऐसा
चुटकी बजा के दो दो चार चार अटैक में उड़ा रहा है मेरा फ्यू रॉक्स भाई। ठीक है अभी गाइस हम डिमोनिक रिपर से पंगे लेने जा रहे हैं। डिफिकल्ट होगा बट नामुमकिन नहीं होगा भाई। रेडी भाई रेडी है भाई रेडी है। हीलिंग कर लियो भाई इसको जरा रखो। ठीक है इसके अंदर ट्रैकर वगैरह डाल रखा है मैंने। ठीक है ट्रैकर वगैरह सब डाल रखा है। थोड़ा ओपन एरिया में जाना पड़ेगा मैं जा रहा हूँ गाइस ओपन एरिया में। सीधा जा रहा हूँ गाइस मैं ग्रीन ऑब्लिक पे। वहाँ पे काफ़ी ओपन एरिया है। वहाँ पे इस बॉस को बुलाते हैं हम लोग। ठीक है और बॉस को बुला के मारना है गाइस। ठीक है तो मैं मारूंगा उसको या तो वो मारेगी मेरे। देखते क्या होता है। रेडी हो गाइस। ट्रैकर खिला रखा है ना वापस से। ट्रैकर खिला रखा है। पावर अप मोड है। पावर अप है। पावर डाउन है। पावर डाउन है। ठीक है रेडी हो गाइस। लेट्स गो करो या मरो भाई। मरने वाला मुझे पता है भाई। मेरे पर ये टेढ़ी के भाई है। अरे ले बेटे यही तो बोल रहा था मैं भाई। रीपर के अटैक्स यार बहुत खतरनाक होते हैं भाई। बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं रीपर के अटैक्स भाई। बच के रहना है भाई। रीपर बहुत गंदा मारते हैं पता है गाइस। इसको मारना ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा भाई हमारे लिए। भले हमारे पास भाई दो दो पटकों में उड़ाने वाले सिलेस्टल फिरॉक्स हो फिर भी भाई उसको मारना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है हमारे लिए। क्योंकि वो क्या करती पता है डायनो को नहीं मारेगी। डायनो को डैमेज कितना पड़ा है देखो आप खुद देखो। इतू सा भाई इतू सा डायनो को डैमेज पड़ा है। वो डायनो को टारगेट नहीं करते। वो टारगेट करते डायनो के ऊपर बैठे हुए राइडर को। बोले तो मुझे टारगेट करेगी वो एंड उसके रीजन से मेरी पेटी बनेगी भाई बहुत ज़्यादा जल्दी। मेरा डायनो वैसे ही जिंदा बच जाएगा। ये प्रॉब्लम है गाइस इसमें डिमोनिक रीपर से फाइट करते वक्त। और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। देखते कितनी बार मरते हैं। जितने बार भी मरेंगे लेकिन फिरॉक्स उसको मारेगा गाइस। ठीक है ये हमने ठान रखा भाई। मारेगा तो फिरॉक्स भाई पर ना ना भाई मारेगा तो फिरॉक्स मारेगा तो फिरॉक्स भाई मारेगा तो फिरॉक्स मारेगा भाई। बिठा लेगा मेरे को मारना ही लोग को। शाबाश फुट 21 देख रहे हो आराम से बैठा हुआ 21 भी लाइक मेरा नंबर कब आएगा। आ रहा है तेरा नंबर बेले खेले खेले बग बैस मारने आ रहे भाई मारने आ रहे। इधर आ। ठीक है रेडी है। इसके मिनियन फेल दिए मैंने। अभी उस बॉस को फेलना पता नहीं भाई वो बॉस कितने लोग हैं। अरे तू सेल डाउन करिए भाई उसकी मैंने खाली। ठीक है डरना नहीं पहली बात तो हमको घबराना नहीं है। आने दो बाहर निकल छाती में पकड़ा भागो। इसके मिनियन को मारो। डरना नहीं है गाइस। सबसे पहली बात घबराना नहीं बिल्कुल। फिरॉक संभाल लेगा ना। शाबाश फिरॉक्स। एक नंबर बोलते भाई। फिरॉक्स भाई तुमने काम संभाल लिया अपना काम कर लिया। ठीक है आ जाओ फिरॉक्स भाई तुम एक नंबर काम कर रहे हो। ठीक है चलो आ जाओ। वंस अगेन गाइस रुको। डरेगा इस रिपर से कितने लगे निकलने दो। चल तेरी बस भागो। अरे इस बार भाग नहीं पाया गाइज। इस बार रिपर ने ले लिया मेरे को भाई। ठीक है खोपचे में और भाई पेल दिया। कोई ना गाइज। वंस अगेन गाइज। लेट्स गो चलो आ जाओ भाई। भाई मार करेंगे उसको। मारेगा तो फिरॉक्सी भाई। वो मेरे को ना नीचे उतारे ना तो उसके बाण में ऐसी बजा दूँ ना भाई। भाई ऐसे चुटकियों में बाण बजा दूँ। वो मेरे को नीचे उतार रही है। सो इसलिए गाइस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फिरॉक्स भाई आ जाओ। तुम काम कर रहे हो मस्त वाला। ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ फिरॉक्स भाई को बाहर निकालो। लेट्स गो उसके मिनियन को भाई पीछे भाई भगा के पीछे लेके जाना है अभी। ठीक है गाइस पहले उसके मिनियन को भगा के पीछे लेके जाना पड़ेगा।
उसके मिनियन गाइस वहां पे भाई वो करके रखे होंगे, स्पॉन होके रखे है ना। Celestial Feroz भाई दिखाओ अपना जलवा, दिखाओ अपना जलवा, दिखाओ मिनियन। शेमड़ो मिनियन सा हीरो बन रहे हो, खुद को हीरो समझ रहे हो भाई। लाड़ में आ रहे थे भाई, लाड़ में आ रहे थे। रुको भाई, हीलिंग पोशन खिला, हीलिंग पोशन खिलाना इसको, ठीक है। रेडी है गाइस अपना फिरोक्स, चल फिरोक्स तबाही मचानी तेरे को, ठीक है। टेंशन नहीं लेना भाई, वो रिपर से पेल देंगे, उस रिपर को पेल देंगे, ठीक हो जाएगा। मार देना फिरोक्स भाई, ये मेरे को हिलने नहीं देगा। मारना फिरोक्स भाई, शाबाश फिरोक्स भाई, फिरोक्स भाई। फिरोक्स क्या कर रहा भाई तू, फिरोक्स क्या कर रहा है, अबे मार दे चमन फिरोक्स। मेरे को टॉर्पोर चढ़ने लग गया भाई, मेरा फिरोक्स पागल है भाई। मिनियन ही ना मारे उसने, चूमू ने भाई आगे वहां पे मारे थे, यहाँ पे एक मिनियन के रीजन से हमारी बैंड बच गई। अभी मैं भाई ग्रीन ऑब्लिक पे जाऊंगा तो वहां पे डायरेक्टली आ जाएंगे लोग, प्रॉब्लम हो जाएगी अभी गाइस, थोड़ी सी रुको, अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रीन ऑब्लिक पे जाते हैं गाइस, मुंह पे भाई डायरेक्टली आ जाएंगे ये लोग यार। देखता हूँ, चलो गाइस मैं क्या कर सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए तो, ठीक है। ये सामान लेने दो, फिरोक्स को मैंने क्रायो कर लिया था, बचा लिया था भाई, ठीक है। देखते चलो क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो मैं जा रहा हूँ ग्रीन ऑब्लिक पे, पता नहीं ग्रीन ऑब्लिक पे क्या कांड होते, पता नहीं क्या कांड होते। थोड़े से तो मारे थे, थोड़े मिनियन मारे जा चुके हैं। मिनियंस का नामो निशान जो है भाई मिटाया जाए, थोड़ा थोड़ा मिनियंस का नामो निशान मिटाया जाए, थोड़ा मिनियंस का नामो निशान मिटाया जाए भाई। चलना देखो बंदी का जाए, ठीक है। पे आते ही भाई रीपर के मुंह पे आते ही भाई ये मर गया भाई, फिरोक्स ना मर जाए यार, मेरा फिरोक्स ना मर जाए, कम ऑन जल्दी स्पॉन हो जा यार। ये एक भाई सीकर आता है, उसका उंगली करके चला जाता है पूरी भाई, एक सीकर भाई, मैं दूसरों को मारता हूँ, एक सीकर एंड में आता है, फिर उसके पीछे पीछे रीपर आ जाती है, मेरी बैंड बजा जाती है भाई। यार ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, नेवर एंडिंग फाइट है भाई, नेवर एंडिंग फाइट है भाई, नेवर एंडिंग फाइट है। उसके आधे हेल्थ तो डाउन करिए, बट अभी 1% भी हेल्थ में उसकी डाउन नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पहले ही जो है गाइस वो अपना गेम खेल रही है भाई, रीपर की बच्ची को देखता हूँ मैं अभी क्या कर सकता हूँ। वन सेकेंड फिरोक्स भाई क्या कर रहा है यार तू, फिरोक्स भाई क्या कर रहा भाई तू, इधर मुंडी कर देखे, डाल अटैक, डाल अटैक, डाल इसका थोबड़े पे सीधा। इसके मिनियंस की तो जय हो भाई, इसके मिनियन भाई दिमाग का दही कर रहे पूरा, प्रॉब्लम और कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम इसके मिनियंस, प्रॉब्लम इसके मिनियंस है गाइस, बाकी और कोई हमको उंगली करने वाला है ही नहीं। अटैक डाल दिया था। अबे यार मैंने अटैक डाल दिया तो मिस हो गया क्या? शिट गाइस, इसको मारने में डिफिकल्टी तो हो रही है फिरोक्स से गाइस। फिरोक्स के अटैक का एक तो कूल डाउन होता है, एक बार अटैक डालो 10 सेकंड लगभग रुकना पड़ता है दूसरी बार वापस से अटैक डालने के लिए। गाइस मुझे लग रहा है आज ना थोड़ा फिरोक्स को ना थोड़ा वो दे देते, ठीक है छुट्टी दे देते गाइस, ठीक है
अगली बार गाइस रिपर को पक्का मारेंगे हम लोग। अभी जो है गाइस ऐसे ही चलता रहेगा, गाइस ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे थोड़ी बेटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। वो मिनियन जो है गाइस उनको डिस्पॉन होने देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बचे हुए मिनियन है ना, नए वाले मिनियन मुझे नहीं मार। भाई उसकी हालत, भाई मरने वाला है, ए मरने वाला है, ये पुश निकला जल्दी। भाई हेल्थ डाउन हो रही थी, मौत के मुंह में से भाई इसको मैं वापस से खींच के लेके आया हूँ। भाई साहब मरने वाला था भाई मेरा फ्रॉक्स, भाई मरते मरते बचा यार, मरते मरते बचा भाई फ्रॉक्स। भाई हेल्थ देखिए अपने कैसे डाउन हो रही थी उसकी। ओ भाई नहीं गाइस, आज नहीं, आज नहीं मारेंगे गाइस रीपर को, अपना फिरॉक्स ही मारेगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में। अभी के लिए ना ये बॉस फाइट यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब देख ले बाय बाय। बाकी अपना फिरॉक्स आपको कैसे लगा जरूर बताना नीचे कमेंट करके। बाकी बॉस फाइट अगले एपिसोड में होने वाले, तो अगला एपिसोड मिस नहीं करो। एंड अगर आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में आर्क सर्वाइवल इवोल के आर्क प्रामुल फेर के, तब देख ले बाय गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई, मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.